बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। बल तथा दाब, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है असंपर्क बल के बारे में। अब ये जो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि असंपर्क बल, इसका अर्थ है कि आपस में संपर्क नहीं है लेकिन बल कार्य कर रहा है। तो ये किस प्रकार का बल है इसको समझते हैं। खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, असंपर्क बल में हम तीन प्रकार के बल की बात करने जा रहे हैं। चुंबकीय बल के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्थिर वैद्युत बल के बारे में बात करेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम चुंबकीय बल की बात करते हैं तो इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट का है कि आप ऐसे कुछ पेंसिल पे एक चुंबक रखिए और फिर आप दूसरा चुंबक उसके सामने लाइए और एक बार एक उसका एक वो जो पार्ट है वो लेकर आए और दूसरी बार उसको रिवर्स कर दें, जो आपके हाथ में उसको आप आगे लेकर आए। दोनों अवस्था में हम देखेंगे कि एक बार जब हम उसका जब एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास लाते हैं तो हम ये जो है देखते हैं कि पेंसिल जो है ये थोड़ी पीछे होने लगती है, क्योंकि जो वो चुंबक होता है वो थोड़ा सा पीछे होने लग जाता है। लेकिन जब हम जो चुंबक है उसका जो हमने जो एक एज उसकी जो बदली जो हमारे हाथ में थी, अब उसको लाए तो हम देखते हैं कि वो जो चुंबक है वो जो पहला जो हमारे हाथ में चुंबक है उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहा है। लेकिन हम ये ध्यान दे रहे हैं कि इसमें जो है दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है आपस में। तो यहाँ देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पेंसिल में मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रहा है ये जो है बिना ये जो बिना किसी संपर्क के ये एक एक्टिविटी हो रही है। तो हमने जैसे कहा था कि डायरेक्शन में चेंज, किसी चीज में मूवमेंट, गति में बदलाव, बदलाव तो देखने को मिल रहा है लेकिन वो हम देख रहे हैं कि बिना किसी संपर्क के हो रहा है। तो अगर उनकी गति में कुछ एक हमें चेंज देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ है कि उन पर एक बल लग रहा है। लेकिन अब ये जो बल लग रहा है, इनके जो दो हमने मैग्नेट लिए हैं उनके कारण हो रहा है, और लेकिन वो उनमें आपस में कोई संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस प्रकार के बल को कहते हैं असंपर्क बल। अब इसमें जैसा हम ये पहले ही जानते हैं कि जब दो मैग्नेट है, जब सेम पोल आमने सामने आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए उस दिशा में क्या हो रहा था, ये जो पेंसिल है ये पीछे की ओर मूव कर रही थी। लेकिन जब अपोजिट पोल सामने आए थे, देखिए आपको सेम पोल दिखाने के लिए लाल लाल रंग दिखाया है, अब यहाँ पे लाल और नीला दिखाया है, तो इसका अर्थ है कि ये अब अपोजिट पोल सामने सामने हैं तो उनमें एक गति हो रही है और वो जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए पेंसिल जो पहले वाला जो मैग्नेट था उसके ओर एक हमें उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों हम लोग ये क्या देखते हैं कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क के में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण इसलिए हम मानते हैं क्योंकि यहाँ पे वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए हुए होते हैं। तो इस प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल जो होता है वो असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल में क्या हम करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेते हैं और इसको लगभग दो बराबर भागों में हम काट देते हैं। एक भाग को हम क्या होता है धागे की सहायता से ऐसे लटका देते हैं और दूसरा जो भाग होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग जो ये जो दूसरा स्ट्रॉ होता है उसके को हम ये जो कागज की एक शीट से रगड़ देते हैं। तो ये अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। अब क्या होता है, जो रगड़ा हुआ है जो सिरा होता है वो हम लटके हुए सिरे के पास लाते हैं
और फिर हम देखते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जब हमने एक जो प्लास्टिक का टुकड़ा था उसको रगड़ने के बाद जब हम दूसरे के पास लाते हैं तो हमें कुछ एक उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है। लेकिन फिर जब हम जो लटका हुआ टुकड़ा है उसको जब हम रगड़ के फिर आमने सामने लाते हैं तो हम देखते हैं उनमें एक जो होता है एक रिपेल दिखाई देता है। तो यहाँ जो देखते हैं कि अगेन हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके बीच में एक मूवमेंट तो है, लेकिन वो जो मूवमेंट हो रहा है वो जो उनमें एक जो वो अपनी स्थिति से में एक परिवर्तन आ रहा है, वो जो आ रहा है वो एक बिना किसी कांटेक्ट के आ रहा है, वो आपस में उनमें कोई एक कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं जब कोई संपर्क नहीं हो रहा है लेकिन मूवमेंट हो रहा है तो ये भी एक प्रकार का हम देख रहे हैं एक असंपर्क बल का उदाहरण। और ये जो असंपर्क बल का उदाहरण है यही आ जाता है स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पे जब हम एक जो प्लास्टिक का है उसको जब पेपर से रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, उस वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो जब हम उसको रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। और इस प्रकार क्या होता है वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत बल या असंपर्क बल का एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मैग्नेट में हम देखते हैं कि कैसे वो जो ये सेम फोर्स रिपेल करते हैं और जो ये अनसिमिलर फोर्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं, इसी प्रकार हम आवेश में भी देखते हैं कि सेम आवेश रिपेल करता है और जो ये जो सेम चार्जेस जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो रिपेल करते हैं। तो जैसे हमने मैग्नेट में देखा था चार्जेस का वो उनके पोल्स का नॉर्थ एंड साउथ पोल्स का, इसी प्रकार हम जब कोई एक चार्ज वस्तु होती है उनमें भी हम देखते हैं कि कैसे जब वो चार्ज हो जाते हैं उन पर एक विद्युत बल क्रिएट हो जाता है तब वो बिना किसी संपर्क में आए एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा एक और असंपर्क बल का उदाहरण आता है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु अगर हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे की ओर गिरती है, और इसी कारण है कि जो पेड़ के फल हैं पत्तियां हैं कुछ है वो एक धरती पर ही आती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धरती से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है लेकिन धरती के अंदर एक बल होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसके कारण वो वस्तुओं को अपनी ओर एक खींचती है एक बल का प्रयोग करती है। तो इससे यह स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, मीन्स अगर कोई सिक्का हम उछाल रहे हैं और वो धरती पर आ रहा है तो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। और इस पर क्या होता है बिना बल लगे ऐसा होता है और वो उसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो इस कारण जो है इस बल को जो धरती किसी वस्तु पर लगाती है उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं या उसको गुरुत्व कहते हैं। और ये क्या है ये एक आकर्षण बल है और ये जो आकर्षण बल है ये हर किसी वस्तु पर लगता है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगे। और ये जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है, तो ये भी है कि ये जो पानी धरती की ओर जा रहा है वो ऊपर नहीं जा रहा है इधर उधर नहीं जा रहा है उसका भी कारण है कि गुरुत्वाकर्षण बल। और जैसे हम देखते हैं कि गुरुत्व बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर ही बहता है, कभी हमने नहीं देखा है पानी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा जो हम देखते हैं कि वो एक नीचे की ओर ही बहता है। झरना है तो वो एक हाइट से पानी नीचे की ओर आता है कहीं और नहीं जाता है। तो गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है
वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं हैं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं और यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो अगर हम गैलेक्सी का अपना देखें तो जितने भी हमारे गैलेक्सी में और घूम रहे हैं हमारे गैलेक्सी बॉडीज, वो सब एक दूसरे पे बल लगा रही हैं और यही है कि हर कोई एक दूसरे के चारों ओर घूम रहा है। तो ये और बहुत डिटेल में समझने का है, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस में आगे जाते जाएंगे, बड़े क्लासेस में जाते जाएंगे, इनके बारे में और अधिक आपको नॉलेज होती जाएगी। तो आज जो हमने असंपर्क बल में देखा, तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में समझा, हमने आपका स्थिर वैद्युत बल के बारे में समझा, और हमने एक चुंबक जो बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस किया है। तो जो पढ़ा है इसके नोट्स भी देखते हैं। तो बच्चों, चुंबकीय बल की बात करें तो एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, इस कारण चुंबकीय बल को असंपर्क बल का उदाहरण मान सकते हैं। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए चुंबकीय बल को असंपर्क बल भी मानते हैं। स्थिर वैद्युत बल की बात करते हैं, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी के इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, हमने आज इस सेशन में आपको तीनों बल के बारे में बताया, और अपने नोट्स में भी हमने आपको ये लाइन स्पेशल बताई है कि हम इनको क्यों एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ले रहे हैं, कि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आए बिना कार्य कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। तो हर बल का भी हमने एक रीजन दिया है। तो असंपर्क बल क्यों, हम क्यों उसको इस कैटेगरी में रख रहे हैं, और संपर्क बल में भी हमने सबका रीजन दिया था, वो याद रखें, रिवाइज करें। कुछ चीजें हमें एक समझ में तो आ जाती है, लेकिन जब हमें उसके आंसर लिखने होते हैं तो थोड़ा हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप ये सारा देखते जाएं, समझते जाएं, कोई भी प्रश्न आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।